श्री अकाल प्यारे बच्चों, बच्चों आज असीं अध्याय 5 माफ करन जा रहे हां। ते आज असीं इस अध्याय विच बच्चों वख-वख वस्तुआं दी लंबाई नूं फुट्टे दी सहायता नाल मापना सीखदे हां। ते चलो शुरू करिए। प्यारे बच्चों, पिछली जमात विच तुसीं सारिआं ने दूरी अते लंबाई नूं कदमां अते गिठां नाल मापना सिख्या सी। बच्चों उसे नूं ही आधार बना के अज असीं लंबाई नूं वख-वख तरीके नाल मापना सिखदे हां। बच्चों जदों तुसीं दर्जी कोल जांदे हो उह इंची टेप दी मदद नाल कपड़े दी लंबाई नूं मापदा है, पर छोटियां वस्तुआं दी लंबाई नूं मापन लई फुट्टे दी वरतों कीती जांदी है। इस नूं स्केल भी कहिंदे हन। इस उपर 15 वड्डियां वड्डियां लाइनां हुंदियां हन। ते बच्चों दो वड्डियां लाइनां दी विचकार जिहड़ी दूरी हुंदी है उस नूं सेंटीमीटर कहिंदे हन। ते बच्चो जदों असीं फुट्टे दी सहायता नाल लंबाई नूं मापना होवे ते असीं 0 तों शुरू करदे हां। प्यारे बच्चो इह अमन है। अमन कोल वख-वख लंबाई दीआं पाइप्स ने ते उह इहनां दी लंबाई नूं मापना चाहुंदी है। तुहानूं पता है अमन किहदी मदद नाल इहनां दी लंबाई नूं मापेगी? हां जी, फुट्टे दी मदद नाल। बच्चो जदों भी छोटी वस्तु दी लंबाई नूं मापना होवे ते असीं फुट्टे दी वरतों करदे हां। ते चलो असीं अमन दी मदद करदे हां उस दीआं पाइप्स दी लंबाई नूं मापण विच। बच्चो पहली पाइप दी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। ते बच्चो सेंटीमीटर नूं असीं इस तरह भी लिख सकदे हां। इस लई 3 सेंटीमीटर असीं किस तरह लिखांगे? हुण दूसरी पाइप की लंबाई नूं मापते हां, 6 सेंटीमीटर। दूसरी पाइप की लंबाई कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। हुण तीसरी पाइप की लंबाई नूं भी असीं मापते हां, 10 सेंटीमीटर। हुण चौथी पाइप की लंबाई नूं मापते हां, 14 सेंटीमीटर। हुण साडे कोल एक ही पाइप बची है ते चलो इस दी लंबाई नूं भी असीं माप के देखते हां, 18 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों देखो अमन ने वख-वख पाइप्स की लंबाई नूं माप लिया है ते उसना दी लंबाई वख-वख आई है। इसलिए बच्चों जदों भी असी किसी छोटी वस्तु की लंबाई नूं मापना होवे ते असी फुट्टे की वरतों करते हाँ। बच्चों एक दिन रमन दे माता जी ने उसनूं नवा ज्योमेट्री बॉक्स लेके दिता। देखते हैं रमन दे ज्योमेट्री बॉक्स विच की है। शॉपनर, रबर, पेंसिल, स्केल। रमन ने सोचिया क्यों ना इस स्केल दी मदद नाल इन्हां दी लंबाई नूं मापिया जाए। चलो देखते हैं रमन दे ज्योमेट्री बॉक्स विच पए शॉपनर दी लंबाई किन्नी है? 3 सेंटीमीटर। हुण रबड़ दी लंबाई देखते हैं किन्नी है? रबड़ दी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। हुण पेंसिल दी लंबाई देखते हैं किन्नी है? पेंसिल दी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों देखो रमन ने इस फुट्टे की मदद नाल अपनी ज्योमेट्री बॉक्स विच पईयां वस्तुआं दी लंबाई नूं पता कर लिया है। इसे तरह बच्चों जदों भी छोटियां वस्तुआं दी लंबाई नूं पता करना होवे ते असीं फुट्टे दी वरतों करदे हां। बच्चों हुण असीं पंजाब अचीवमेंट सर्वे नाल संबंधित एक सवाल हल करदे हां। पेंसिल दी लंबाई किन्ने सेंटीमीटर है? इसलिए बच्चों सानू 4 ऑप्शन्स दित्तियां ने। ऊड़ा 6 सेंटीमीटर, ऐड़ा 4 सेंटीमीटर, ईड़ी 5 सेंटीमीटर, सस्सा 11 सेंटीमीटर।
बच्चों देखो एक पेंसिल ते स्केल दिते गए ने ते पेंसिल की जिहड़ी लंबाई है 5 सेंटीमीटर तो 11 सेंटीमीटर दे विच है ते बच्चों देखो 5 तो 11 सेंटीमीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर आउंदे हन 1 2 3 4 5 6 किन्ने सेंटीमीटर आए 6 सेंटीमीटर इसलिए केड़ी ऑप्शन सही होएगी हाँ जी उड़े वाली ऑप्शन 6 सेंटीमीटर वाली ऑप्शन ते असी सही दा निशान लगाने हाँ। हुण वारी है घर दे काम दी। घर दे काम विच बच्चों तुसी इसे तरह ही वक वक वस्तुआं लैके उन्हां दी लंबाई नूं फुट्टे दी सहायता नाल मापना है। धन्नवाद बच्चों।